कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत ठीक होंगे। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है LS स्विंग टिप्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है प्लाजो सूट कटिंग बताई थी 5 साल की बच्ची की। अब मेरे पास उसी देखिए 5 साल की बच्ची का ही फुल पटियाली सूट जो है कटने सिलाई के लिए आया हुआ है। वो सेम ही कपड़ा है ये जो कम से कम 3 मीटर कपड़ा है। मैंने इसमें जो है सबसे पहले इसकी लेंथ जो 28 है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और हिप जो है मेरे पास इसमें 24 है तो इसमें भी उसका चौथाई भाग जो है 6 इंच आया तो उसमें 8 इंच जो है मैंने चौड़ाई में 8 इंच जो है चौथा भाग जो 8 इंच लेना है। मतलब 16 इंच जो है डबल कपड़ा लेना है, 16 इंच नीचे लेना है और इसको डबल करना है। ये देखिए मैंने इसको डबल कर दिया है, मतलब 4 लहरों में है। अब मैं सेम वही इसमें जो है कटिंग होगी, जैसे 5 इंच यहाँ पर रखा है तीरा है, 5 इंच नीचे आरमोल के लिए रखा हुआ है और यहाँ से नीचे को भी 5 इंच ही रखा हुआ है। और मेरे पास यहाँ पर जो है 22 इंच है तो 6.5 इंच पर जो मैंने इसमें सिलाई का निशान लगाना है और कमर के लिए भी 5 इंच ही लेना है। सेम वही कटिंग करनी है कुर्ती की जिस तरह से जो मैंने जो है पिछली वीडियो में की थी। मैंने कुर्ती की जो सेम कटिंग की है जिस तरह से पिछली वीडियो में प्लाजो सूट की कटिंग की थी सेम वही कटिंग की है। अब मैंने जो इसमें बाजू जो है थोड़ी और स्टाइल से निकालनी है, पर सबसे पहले जो मैं इसमें जो है सलवार निकालूंगी क्योंकि मैंने इसमें सलवार की जो कटिंग है वो फुल पटियाली बनानी है। अब लेंथ मेरे पास सलवार की भी 25 इंच है तो इसमें जो मैंने 4-5 इंच जो मैंने इसमें बेल्ट निकालनी है तो इसमें प्लस माइनस करना है। मेरे पास जो है तैयार जो है सलवार जो है इसमें 20 इंच लंबाई है और 5 इंच मैंने इसमें बेल्ट निकालनी है। इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेना है, 25-28 इंच जो मेरे को जो है इसमें कटिंग के लिए कपड़ा चाहिए तो मैंने इसमें 5 इंच बेल्ट के लिए निकालना है तो 23-23 इंच जो है मेरे पास जो है लंबाई में मैंने पट्टी निकालनी है। अब पट्टी किस तरह से निकालनी मैंने इसमें पट्टी जो सलवार की फ्रंट की वो मैंने इसमें पहुँचा जिस तरह से मैंने पहुँचा इसमें कम से कम 3 इंच 3.5 इंच रखना है तो मैं इसमें जो है चौड़ाई में पट्टी जो है लूँगी 5 इंच 10 इंच लूँगी चौड़ाई में इस तरह से 10 इंच ही लूँगी मैं इसमें और इसमें नीचे को निशान लगा दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने जो है इसमें 10 इंच चौड़ाई में जो है ये जो पट्टी निकाल दी है सलवार की। अब जो मैं इसमें जो है बेल्ट निकालूंगी और जो बाकी बचा हुआ उससे बाजू और फुल घेरा निकालूंगी जितना भी मेरे पास है वो सारा घेरा निकालूंगी। बेल्ट के लिए मेरे पास ये देखिए जो है कमीज जो मैंने काटी थी उससे जो साइड से बचा हुआ था कपड़ा वो ले लिया मैंने। ये चौड़ाई में देखिए कम से कम जो है 16 इंच लिया हुआ है मैंने ये चौड़ाई में और लंबाई में मैंने सिर्फ 5 इंच लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं काट दूंगी इस तरह से 5 इंच पर मैंने निशान लगा कर कटिंग कर देनी। ये देखिए मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा काट दिया है। अब मेरे पास जो बचा हुआ है उससे मैं बाजू और फुल घेरा निकालूंगी सलवार का। आप देख सकते हैं मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ और देखिए टीर वाली साइड से डबल किया हुआ, कोई इस तरह से फोल्ड नहीं किया हुआ, इस तरह से देखिए सीधी साइड है इसमें क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी हर कहीं से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब रख दिया है। अब हमने जो है हमारे पास जितने पट्टी की लेंथ है पट्टी की लेंथ जो है हमारे पास 23 है तो 23 पर जो है हमने इस तरह से इसमें निशान लगा देना है और जितना घेरा रखना है वो सारा मतलब मैं कम से कम इसमें जो है 30 तक जो है घेरा रखूंगी चौड़ाई में। आसन की जो मैं कटिंग जो इसमें जो 13 इंच करूंगी मतलब यानी 13 इंच तो 8 इंच पर जो मैं निशान लगाऊंगी, 5 इंच जो मेरे पास जो है ऊपर बेल्ट में लगा हुआ है और इस तरह से मैं इसमें जो है इसकी कटिंग कर दूंगी एक कली की और दूसरी कली इसके ऊपर रखूंगी। एक कली मैंने काट दी, अब दूसरी जो मैं इसी तरह से इसको इसके ऊपर रखूँगी और जो है दूसरी कली की जो है इस तरह से मैं बिल्कुल बराबर रखकर जो है कटिंग कर दूंगी। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने जो इसमें देखिए कली भी काट दी है और ये पट्टी है मेरी इस तरह से मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मेरे पास जो कपड़ा बचा हुआ है मैं इससे जो क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही कपड़ा बचा है तो मैं इससे जो सिर्फ सिंपल बाजू निकालूंगी, कोई इसमें डिज़ाइन नहीं निकालूंगी। ओके, देखती हूँ अगर शायद निकल भी जाए, मेरे पास 10 चाहिए तो हाँ निकल सकती है इसमें, तो किस तरह की बाजू निकालूंगी इसमें आप देखेंगे। ये देखिए मैंने जो है ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड मार दिया इसमें और मैंने यहाँ से जो इसमें जो है ये देखिए 6 इंच रखना है मैंने इसमें और लंबाई मेरे पास बाजू की जो 10 इंच चाहिए तो मैं इसमें हल्का सा इस तरह से इसको इस तरह से
आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए इस तरह से टेढ़ा मारा इसमें इस तरह से, और जहां पर मेरा 10 इंच आया वहां पर जो मैंने इसमें सीधा कर देना। ये देखिए यहां से यहां तक ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जहां पर मेरा जो है 10 इंच आया, यहां से मैंने इस कपड़े को जो है बिल्कुल सीधा कर देना, इसमें इसकी सीधी कटिंग कर देनी इस तरह से। ये आपकी फैंसी बाजू बन रही है। ओके, अब यहाँ से मैंने जो है 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है चौड़ाई में, और 2 इंच की यहाँ से गोलाई डालनी है, 2 इंच की यहाँ से डाल दी गोलाई। अब यहाँ से सिर्फ 4 इंच जितना भी बच्चे का जो आप नाप लेंगे, यहाँ पर कोहनी के पास का नाप लेना है, मैंने 4 इंच लिया हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर जो है फिटिंग का उनका उस बच्चे का जो 8 इंच 4 इंच आएगा तैयार, तो मैंने जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से, और इस तरह से इसमें जो है इसमें कटिंग कर देंगे इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल सीधा आना हमारा। अभी कटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की ये बाजू की कटिंग हो गई है, और हमें इसमें जो यहाँ पर जो बिल्कुल फिटिंग का निशान लगेगा, नीचे हमारी खुली बनेगी। ये बाजू भी बच्चों में बड़ी सुंदर लगती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इस सूट की जो है स्टिचिंग कैसे करें हम वो बताएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।